नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। करवा चौथ यानी पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाला व्रत। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफी अहम स्थान रखता है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण व्रत यानी करवा चौथ हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ऐसे में करवा चौथ व्रत का इंतजार महिलाएं बेसब्र होके करती हैं। आपको पता है करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसका कारण ये है कि इस दिन रात को चंद्रमा दर्शन के बाद ही व्रती महिलाएं व्रत का पारण करती हैं, यानी व्रत खोलकर जल पीती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत की तरह ही करवा चौथ व्रत करने से भी पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। साथ ही व्रत करने वाली महिलाओं का अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। ऐसे में इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत रविवार 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन सुखमय होने की कामना से महिलाएं इस व्रत के तहत पूरे दिन निर्जला रहती हैं, यानी जल तक ग्रहण नहीं करती। आपको बता दें, इस साल करवा चौथ पर विशेष संयोग बन रहा है। करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। मान्यता है कि इस नक्षत्र में व्रत रखना शुभ होता है। 24 अक्टूबर को रात 8:07 पर चंद्र दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं व्रत खोलेंगी। वहीं ये भी मान्यता है कि ऐसे समय में चंद्र दर्शन मनवांछित फल प्रदान करता है। साथ ही जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं, उनके लिए ये संयोग सोने पर सुहागा के समान है। इस बार चंद्रमा माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद दिलवाएगा। इस बार करवा चौथ पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो बेहद ही खास है और इस दिन की महत्ता को बढ़ाते हैं। इस शुभ संयोग में करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य देने वाला होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।